हेलो स्टूडेंट. सो अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस. तो ये सेकेंड वीडियो है. इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक्स के जो जेई एडवांस 2007 टू 2018 के जो वेरियस क्वेश्चंस हैं इनका डिस्कशन चल रहा है. तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो 2008 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, 2007 से 2008. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो अब उसी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट जो है हम कर रहे हैं. तो देखिए 2008 पेपर टू का आपको क्वेश्चंस नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पे. अमंग द फॉलोइंग द कलर्ड कंपाउंड इज, तो कलरेशन के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के अंदर कलरेशन जो होता है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है. ठीक है, तो डीडी ट्रांजिशन होने के लिए किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन के अंदर जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो यहाँ पे ये सारे कॉपर के कंपाउंड ही आपको नजर आ रहे हैं. और कॉपर की दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, प्लस वन एंड प्लस टू. प्लस वन के अंदर जो है कॉपर D10 कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, और D10 कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कॉपर के जो कंपाउंड्स हैं प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कलर्ड नहीं होंगे. लेकिन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर के कंपाउंड्स को अगर हम देखेंगे तो वो D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और D9 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी. कलर के और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, लाइक जैसे जो चार्ज ट्रांसफ़र है फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, जिसको आप पोलराइजेशन भी कह सकते हो. पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम कैडमियम सल्फाइड को अगर देखते हैं तो कैडमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी जिंक की तरह D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन कैडमियम सल्फाइड जो है वो येलो कलर का कंपाउंड है. तो यहाँ पे जो कलरेशन है दैट इज़ ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफ़र, पोलराइजेशन ऑफ सल्फाइड आयन बाय कैडमियम आयन. और आपको ये भी पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उनकी पोलराइजेशन पावर जो है वो हाई पोलराइजेशन पावर होती है. यहाँ पोलराइजेशन का मेरा मतलब वही है जो फजांस रूल के अंदर आप स्टडी करते हैं, फजांस रूल टाइप का ही आइडिया है यहाँ पे. तो ये सब क्राइटेरियाज कंसिडर कर सकते हैं. MnO4- के अंदर अगर हम देखेंगे तो MnO4- के अंदर जो मैंगनीज है वो प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, बट स्टिल जो है ये पर्पल कलर का एनायन है. तो इसके सॉल्यूशंस के अंदर इसका कलरेशन पर्पल कलर होता है. सारे परमैग्नेट के अंदर यही कलर होगा, प्रोवाइडेड नो कलरेशन इज शोन बाय कैटायन. तो वहाँ पे भी जो है पोलराइजेशन हो रहा है एनायन का कैटायन से. तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ए ऑप्शन के अंदर हमारा कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, बी ऑप्शन में भी कॉपर जो है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट सी ऑप्शन में कॉपर जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो मैंने पहले बताया था प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी होगी. डी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो इसमें भी कॉपर जो है हमारा वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. तो इसका बेस्ट चॉइस जो है वो कलर्ड कंपाउंड के लिए वो ऑप्शन सी है. तो ये ऑफिशियल आंसर के साथ आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन सी कन्फर्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उसके बारे में. सो ये कह रहा है कि बोथ टेट्रा कार्बोनिल निकल एंड टेट्रा साइनो निकलेट आर डायमैग्नेटिक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन दीज कॉम्प्लेक्सेज रेस्पेक्टिवली आर. तो देखिए दोनों कॉम्प्लेक्सेज के अंदर निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और दोनों कॉम्प्लेक्सेज के अंदर जो है वो लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो चुकी होगी यहाँ पे. तो निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल में जो निकल है वो D8 4s2 है. तो CO की प्रेजेंस में ये जो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, D ऑर्बिटल्स के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन से और S ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे पेयर अप होकर के फर्स्ट 5d ऑर्बिटल में फिट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और एक S और 3p इसके एम्प्टी रहेंगे. तो टेट्रा कार्बोनिल निकल जो होगा वो टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा. और इसी टाइप से टेट्रा साइनाइडो निकलेट आइन को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब ये D4 है. और D4 के ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो पहले 4d ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएंगे, एक d ऑर्बिटल इसका खाली हो जाएगा, तो ये हमारे पास में dsp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा. तो इसमें sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो रहा है. निकल के कॉम्प्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए कि कौन कौन से निकल के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए. ठीक है, जो बीएम का मॉड्यूल है उसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है टेबुलेटेड फॉर्म में, उसमें से आप चेक कर सकते हैं. एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, निकल के कॉम्प्लेक्सेस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी हमें उसकी ज्योमेट्री पूछ लिया जाता है, कभी निकल का कार्बोनिल की ज्योमेट्री क्या होगी, निकल के कार्बोनिल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा. तो ये इस टाइप से डेटा आप कलेक्ट करिए. तो इसका ऑफिशियल आंसर हमारा देखेंगे तो ये बी के साथ मैच कर रहा है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, इसमें बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा कैटाइनिक पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स का, उसके अंदर जो लिगेंड है वो NH3 लिगेंड है, और इसकी नेमिंग जब आप करेंगे तो ये इसको हम अमाइन कहेंगे। AMM यूज़ करना है आपको यहाँ पे, सिंगल एम वाला जो होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो है वो अमीन हो जाएगा, और वैसे भी आप इन सारे ऑप्शंस को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे AMM ही रिटर्न है, सिंगल एम कहीं पे भी रिटर्न नहीं है। तो इसका नेम हो जाएगा टेट्रामाइन निकल 2 टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2। यस, ऑप्शन सी के अंदर आपको ये नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe H2O5NOSO4 इज पैरामैग्नेटिक, ये वेल नोन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सिंपल सा है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जब आप फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, तो फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास में फेरस हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रहेगा, और ये NO को जो है एब्जॉर्ब करेगा। नाउ NO कहाँ से आएगा? NO आएगा आपके पास में ये जो नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर जब आप फेरस आयन को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये यहाँ पे NO रिलीज होगा और ये बन जाएगा फेरिक। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। नाउ ये NO जो होगा वो यहाँ पे एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। Fe H2O6SO4 के अंदर ये जो हमारा Fe है इसको अगर हम देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये D6 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। 3D6 4S2 होता है, +2 के अंदर ये D6 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। नाउ अब ये जब इसके साथ कोऑर्डिनेट होने लगेगा तो एक वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, ये एक टाइप की लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और साथ साथ में ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी होगी यहाँ पे, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी ये यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा NO है, ये NO एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस Fe को ट्रांसफर कर देगा। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया आयरन का इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, रिमेंबर NO इज ए 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो ये सही थे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे NO से एंटर कर गया है, एक इलेक्ट्रॉन NO का यहाँ पर आ गया है, और ये हमारे पास में जो ऑप्शन रह गया है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का, उसके अंदर आप देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 दिख रहे हैं। तो लिगेंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज ए रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये जो हमारे पास में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.87 बोर मैग्नेटॉन होता है, ये वेल नोन इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू रिमेंबर दैम। सो Fe H2O5NOSO4 इज पैरामैग्नेटिक, ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया, एंड द Fe इन दिस कॉम्प्लेक्स हैज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। Why it is paramagnetic? Due to the presence of unpaired electron. तो statement 1 true है, statement 2 भी true है, और statement 2 जो है वो statement 1 का correct explanation भी है। तो option A के लिए जाएंगे हम इस question के अंदर, और official answer key के साथ match कर लेते हैं। तो official answer key के साथ अगर आप देखेंगे तो इसका हमें answer A नज़र आ रहा है। Next question, अगेन 2008 के क्वेश्चन पेपर से ही है अभी भी, और ये भी अगेन जो है हमारे पास में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnH3O4Cl2 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है इसके हम 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं Cl के रेस्पेक्ट में, जो क्लोराइडो लिगेंड्स हैं इसके रेस्पेक्ट में हम इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। दोनों आइसोमर्स के अंदर जो है वो सिमेट्रीज होंगी, इसलिए दोनों आइसोमर जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे।
तो यहां पे ये हमने फर्स्ट आइसोमर ड्रॉ कर लिया और फर्स्ट आइसोमर जो हमारे पास में वो ट्रांस आइसोमर हम ले लेते हैं सीएल माइनस के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं और ये 4NH3 जो है आ गया। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसके अंदर जो है आप चेक कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर है और इसके अंदर हम इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे या इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। नाउ सिस आइसोमर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सिस आइसोमर के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सीएल माइनस और सीएल माइनस ये कोऑर्डिनेटेड है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने सिंपल लाइंस ड्रॉ कर लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं बना रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है यहाँ पे। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो दोनों क्लोराइडो लिगेंड और एनिस्ट्री वाला जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। सो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। नाउ एक मॉलिक्यूल में वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्रीज हो सकती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सिमेट्रीज कैन ऑल्सो फाउंड इन मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो है मिरर इमेजेस हैं वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये एक्चुअल कुछ रीजन टाइप का नजर आ रहा है। और जो भी हम ये सोच रहे हैं रीजन के बारे में उससे रिलेटेड स्टेटमेंट टू में कुछ भी नहीं लिखा, बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स पजेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी इनके अंदर है, किसी एक एक्सिस के अबाउट इनको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये उसी फॉर्म में वापस से रीअपियर हो जाना चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको रोटेट करेंगे सर्टेन डिग्री के एंगल से तो ये रीअपियर हो जाएगा, या फिर अगर इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता हूँ तो ये इसी फॉर्म में रीअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, इसके अंदर भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट टू का जो है स्टेटमेंट वन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे इसके अंदर, ऑफिशियल आंसर को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2008 का जो पेपर है उस पर बेस्ड है और ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। सो मैच द कन्वर्जन विद द टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन इन कॉलम टू। तो यहाँ पर अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप के लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास में है। तो ये कन्वर्जन है, पहले हम नोटिस कर लेते हैं कन्वर्जन क्या है। देखिए ए ऑप्शन कॉलम वन का जो ए ऑप्शन है उसमें लेड सल्फाइड को लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक वन स्टेप प्रोसेस होगा, एक ही स्टेप में सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड टू ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। तो ए के अंदर एग्जैक्टली एक ही ऑप्शन मैच करेगा और वो है पी, क्योंकि रोस्टिंग ही होगा, कैल्सिनेशन ये है नहीं, कार्बन रिडक्शन यहाँ पे हुआ नहीं अभी और सेल्फ रिडक्शन हुआ नहीं, मतलब ए ऑप्शन में तो रिडक्शन ही इन्वॉल्व नहीं है। बी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ये भी वन स्टेप प्रोसेस है और इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो कार्बोनेट को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो बी ऑप्शन के अंदर भी एक ही ऑप्शन नजर आएगा और वो है कैल्सिनेशन, दैट इज क्यू। सी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एक सल्फाइड है और उससे आपने जिंक ऑप्टेन किया, तो इसका मतलब इसमें एक रिडक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगा। तो पहले आपको और रिडक्शन करने के लिए मेटल ऑक्साइड्स हम प्रेफर करते हैं, मेटल ऑक्साइड को ही मेटल में इजीली रिड्यूस किया जा सकता है, सल्फाइड्स कैन नॉट बी इजीली रिड्यूस टू मेटल। तो सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये रोस्टिंग हो जाएगा और ऑक्साइड को फिर जिंक में रिड्यूस करेंगे, तो ये पहले भी एक क्वेश्चन आया था। तो जिंक के लिए जो एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे कार्बन रिडक्शन मेथड जो है प्रेफर करते हैं, तो सी के अंदर रोस्टिंग भी हो जाएगा और कार्बन रिडक्शन भी हो जाएगा, तो आर पी एंड आर, पी के अंदर रोस्टिंग है और आर के अंदर कार्बन रिडक्शन है, तो सी ऑप्शन के अंदर दो स्टेप में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये हमारा रोस्टिंग भी है और कार्बन रिडक्शन भी है।
डी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको क्लियरली रिडक्शन नजर आ रहा है, और रिडक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉपर का रिडक्शन हुआ और कॉपर के सल्फाइड ओर का. तो ये कॉपर थोड़ा सा हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, नोबल मेटल टाइप का है, तो इसके अंदर सल्फाइड्स को इजीली हम जो है सेल्फ रिडक्शन से रिड्यूस कर सकते हैं. बट जिंक जो है थोड़ा रिएक्टिव है, इसलिए सेल्फ रिडक्शन इसके अंदर इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. तो यहाँ पर ये हमारे पास में पहले रोस्टिंग हो जाएगा, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलेंगे और ऑक्साइड को वापस से अनरोस्टेड ओर के साथ ट्रीट कर देंगे, तो सल्फाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और कॉपर को वो रिड्यूस कर सकता है. तो ये यहाँ पे रोस्टिंग हो गया और सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा. तो डी ऑप्शन में रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन के अंदर एस आ जाएगा. ऑफिशियल आंसर की के साथ आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या है. तो देखिए, ए के लिए हम कह रहे हैं पी है, ए के लिए पी है, बी के लिए हम कह रहे हैं क्यू है और बी के लिए भी क्यू है, सी के लिए हम कह रहे हैं पी एंड आर है तो यहाँ पे पी एंड आर है, और डी के लिए हम कह रहे हैं पी एंड एस है, यहाँ पे भी डी के लिए पी एंड एस है. तो ये 2008 का पेपर 2 का क्वेश्चन हो गया. अब हमारा 2009 का पेपर स्टार्ट हो रहा है. आप देख सकते हैं कि अभी तक कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो 2007 में, 2008 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ये. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिएक्शन ऑफ पी फोर विथ एक्स लीड्स सेलेक्टिवली टू पी फोर ओ सिक्स, द एक्स इज. सो यहां पर हमारे पास में पी फोर है और इस पी फोर को हम किसी सब्सटेंस एक्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और पी फोर ओ सिक्स बन रहा है. क्या क्या ऑप्शन है? तो देखिए, ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्ट करा देंगे पी फोर को, तो ड्राई ऑक्सीजन तो इसको जो है डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देगा पी फोर ओ टेन तक. तो ये कम चांसेस है कि वाइट फॉस्फरस को ड्राई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये पी फोर ओ सिक्स तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नहीं. लेकिन अगर हम इसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो इस मिक्सचर के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर जो है हमारा जो मेजर होगा वो पी फोर ओ सिक्स होगा, ये मेजर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और पी फोर ओ टेन जो है वो इसके साथ में बन सकता है लेकिन वो माइनर अमाउंट में प्रोड्यूस होगा. मेजर जो है वो यही बनेगा क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होगा. मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन है और साथ में मॉइस्चर भी है, तो ऑक्सीजन के साथ तो यही बनेगा और ये फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके HPO3 बन सकता है या फिर H3PO4 बन सकता है, डिपेंड करेगा कि कितना मॉइस्चर है क्या है. तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P4O10, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर जाएगा. तो मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ तो ये P4O6 नहीं बन सकता है. O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH को अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे तो क्लियरली जो है हमारा O2 इसके साथ रिएक्ट करके P4O10 बनाएगा और P4O10 जो है एक्वस अल्कली के अंदर डिजोल्व होकर के ये सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूस कर देगा, Na3PO4 बना देगा यहाँ पे. तो हमें यहाँ पे P4O6 ऑप्टेन करना है, तो P4O6 जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने से ही प्रोड्यूस होगा. सो करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा हमारा ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2. सो इसका ऑफिशियल आंसर हमारा बी होना चाहिए और वो बी नजर आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर. तो ये प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेज हैं, तो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेज में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास में अप्रोप्रिएट लिगेंड्स का अरेंजमेंट हो. अप्रोप्रिएट लिगेंड्स होने चाहिए हमारे पास में. तो ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक जो है बाइडेंटेड लिगेंड है और दो हमारे पास में मोनोडेंटेड लिगेंड है. तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, दूसरा स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड जो है ये हमेशा सिस पोजिशन के अंदर ही अवेलेबल रहेगा. सो ओनली वन स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए के लिए एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सपेक्टेड नहीं है. ऑप्शन बी के लिए अगर देखेंगे तो इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, बाइडेंटेड लिगेंड है दोनों ही, तो बाइडेंटेड लिगेंड सिर्फ सिस पोजिशन में ही अटैच्ड रह सकते हैं, ट्रांसपोजिशन में बाइडेंटेड लिगेंड अटैच्ड नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इसका भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा. सी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो गया है, तो इसके हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे दो बाइडेंटेड लिगेंड को लॉक कर दिया है सिस पोजिशन में, अब हम क्लोरीन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया,
ट्रांस आइसोमर बन गया और इसी का हम एक सिस आइसोमर भी बना सकते हैं। तो सिस आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो लिगेंड है इनको इस पोजीशंस पे लॉक कर देते हैं। तो ये लिगेंड अभी भी सिस पोजीशंस पे है और ये हमारे पास में सिस पोजीशंस पे आ गया। तो ये ऑप्शन सी के अंदर जो है हम दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो एक तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हम दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो ये हमारा एक सिस आइसोमर बन गया। और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया होगा या पिछले वीडियो में बताया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए प्लेटिनम और पैलेडियम के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो इसके अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ये सिस आइसोमर हो गया और ये ट्रांस आइसोमर हो गया। ए में एक ही है, बी में भी एक ही होगा और सी के अंदर दो दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। सो कंपाउंड दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर गिवन इन ऑप्शन बी एज वेल एज सॉरी इन ऑप्शन सी एज वेल एज इन ऑप्शन डी। तो सी और डी के अंदर हमें ये आंसर्स नजर आ रहे हैं। तो ऑफिशियल आंसर की भी सी और डी कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज आर। सोडियम मेटल का एक्सेस एयर में कंबशन किया जा रहा है। तो सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये बहुत रैपिडली रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए क्या होगा कि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो इसमें तीन पॉसिबल केसेस को अगर हम देखेंगे तो अगर सपोज ऑक्साइड अगर हम बनाते हैं तो ऑक्साइड बनाने का मतलब है आपको ओ ओ बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। परऑक्साइड बनाने का मतलब है ओ ओ बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना होगा। और सुपर ऑक्साइड बनाने का मतलब है कि आपको अगेन ओ ओ बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना होगा। ये ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से जो है ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो ये यहाँ पे ऑक्साइड बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमें ओ ओ बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस ऑफ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सीधा पॉसिबिलिटीज़ होगी कि इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर जाए। तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी एक के अंदर चला जाएगा और एक और दे देगा तो इसका मतलब दोनों के बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। परऑक्साइड भी बन सकता है, सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है, लेकिन जो परऑक्साइड है वो मेजर अमाउंट में बनेगा। यहाँ पे परऑक्साइड जो है वो मेजर अमाउंट में बनेगा, परऑक्साइड जो है हमारा मेजर अमाउंट में बनेगा, सुपर ऑक्साइड्स इतना मेजर अमाउंट में नहीं बन सकता। उसके बाद में हम देखेंगे जो ऑर्डर है वेरियस टाइप के कंपाउंड्स के बनने का वो ये हो जाएगा कि परऑक्साइड सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, ये हम बता सकते हैं। उसके बाद में ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की अबंडेंस, ऑक्सीजन की परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि ये कितना अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो बेस्ट चॉइस तो यहाँ पे देखिए ए है, ठीक है, साथ में अदर ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पे और इज आर भी कह रहा है, तो इसका मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है। तो बट बेस्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मेजर वगैरह भी नहीं कह रहा है, तो वैसे तो हम सभी कह सकते हैं, है ना, लेकिन बेस्ट चॉइस तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ए होना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट को ही बात करेंगे, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा अमाउंट में तो सभी बन सकते हैं, बट ए ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट चॉइस है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन एक्सेस में है या नहीं है। और ये ऑक्सीजन भी नहीं है, ये एयर है, तो एयर के अंदर ऑटोमेटिकली वैसे भी ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज एयर के अंदर कम हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते तो सब पॉसिबल हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे एयर के साथ रिएक्ट करा रहे, तो सोडियम को एयर में छोड़ दिया आपने तो मेजरली परऑक्साइड बनेगा इसके अंदर। तो ये हम ऑफिशियल आंसर को देख लेते हैं। तो ऑफिशियल आंसर के अंदर देखिए कि यहाँ पे ये जो है बेसिकली ए भी कह रहे हैं और साथ में ए एंड बी भी कह रहे हैं, ये ए भी है और ए एंड बी भी है यहाँ पे। तो ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है और बी साथ में थोड़ा बहुत बन ही गया यहाँ पे। तो ये इस रीजन से दो आंसर्स इन्होंने आंसर की को मॉडिफाई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आ गया है। पैरा अमीनो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन इज एडेड टू ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स।
सो ये जो है हमारे पास में एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है हम चेक कर लेते हैं, इसकी एक आउटलाइन बना लेते हैं पैराग्राफ की। अब स्क्रीन पे पैराग्राफ देखिए, पैरा अमीनो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन इज एडेड टू ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स। सो पैरा अमीनो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास में पैरा अमीनो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन आ गया, इज एडेड टू ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स। तो ये कोई भी हमारे पास में एसिडिक सॉल्यूशन है एक्स का, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाई। तो ये जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन है दैट इज ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाई टू यील्ड ब्लू कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू। तो यहां पे एक मिथाइलिन ब्लू का फॉर्मेशन होता है, ब्लू कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो है वो एक डाई है और ये एक सल्फर कंटेनिंग डाई होता है। देखिए अब ये जो है आपका जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर स्टार्टिंग में जो है वो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि मिथाइलिन ब्लू क्या होता है, एक डाई है, सल्फर कंटेनिंग डाई है। यहाँ पे ये जो आपका लैब मैनुअल है, लैब एक्टिविटी है, उसमें आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगा। एंड एनीवे अगर आपको नहीं भी नॉलेज है इसका तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे देखिए आगे कुछ ना कुछ होगा। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाई विथ रिएजेंट पोटेशियम हेक्साथियोफेरेट। तो ये हमारे पास में वाई का एक्वा सॉल्यूशन है, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं पोटेशियम हेक्साथियोफेरेट 2। तो ये K4FeCN होल 6 के सॉल्यूशन के साथ इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट। तो ये हमारे पास में एक लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स ऑन एक्सेस एडिशन ऑफ द रिएजेंट। तो ये हमारे पास में जो प्रेसिपिटेट है ये K4FeCN होल 6 अगर एक्स ऐड कर देते हैं तो ये जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स इन एक्सेस रिएजेंट। Similarly, treatment of solution of Y with a solution of potassium hexacyanoferrate. इसी Y को हम रिएक्ट करा रहे हैं potassium hexacyanoferrate 3. Y को ही रिएक्ट कर रहे हैं हम, lead to brown coloration due to the formation of Z. तो यहां पे कोई Z प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राउन कलरेशन। देखिए मिथाइलिन ब्लू का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं कि मिथाइलिन ब्लू का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो क्या है। वैसे एक ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, तो यहां पे सल्फर की प्रेजेंस में ये पैरा अमीनो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन जो है ये डाइमराइज होगा और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका बेंजेनॉइड फॉर्म ले लेते हैं। मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा हमारा कंपाउंड, एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इनफैक्ट यहाँ पे इसकी एक बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड टाइप की फॉर्म होती है, ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। और
एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो है एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फॉर्म हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और साथ में ये जो है वो एसिडिक मीडियम की वजह से कोई ना कोई एनायन रहेगा, तो नॉर्मली हम एच प्लस आयन इसके अंदर प्लेस करते हैं, तो ये इस फॉर्म में कलर हो जाएगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथाइल इन ब्लू, एक सल्फर कंटेनिंग डाई है यहाँ पे. और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से यहाँ डी लोकलाइज होता रहेगा. देखिए अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, उसको यहाँ ले लेता हूँ, उसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो ये चार्ज जो है वो एक्सटेंसिवली इस मॉलिक्यूल के अंदर डी लोकलाइज होता रहेगा. इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. सो ये बेसिकली मिथाइल थायोमिनियम क्लोराइड टाइप का होता है, एच सी एल स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन जो है एच सी एल का ही लेते हैं हम यहाँ पे, और क्लोराइड आयन इसके साथ में रहेगा. और ये जो मिथाइलिन ब्लू है दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मिथेमोग्लोबेनीमिया, है ना. मिथेमोग्लोबेनीमिया CO को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं. सो इन एनी वे ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन हो गई X और Y से रिलेटेड, ठीक है. X का एसिडिक सोल्यूशन है और उसके अंदर Y प्लेस कर दिया. पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ इंटेंस ब्लू कलर दे रहा है और पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ जो है वो ब्राउन कलर का कंपाउंड बना रहा है. तो अभी हाल फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम इतना सा कह सकते हैं कि आइदर एक्स और वाई कंटेन सल्फर. अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे. तो ये कह रहा है कंपाउंड एक्स इज, कंपाउंड एक्स जो है वो क्या हो सकता है. तो देखिए मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मिथाइलिन ब्लू जो है वो एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड तो दो नज़र आ रहे हैं, सी और डी. लेकिन ये जो सल्फाइड है वो सल्फाइड ईजिली सल्फर जो है रिलीज कर देगा, सोडियम सल्फेट से सल्फर जो है रिलीज नहीं हो पाएगा, वो तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. तो डी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नज़र आ रहा है. तो ये ऑफिशियली आंसर को चेक करेंगे तो डी ऑप्शन भी नज़र आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड वाई इज, वाई जो है वो हमारा क्या हो सकता है. तो अब यहाँ पे जो है हमें ये हमारी जो रिएक्शन केमिस्ट्री है इसके नॉलेज के बेसिस पर हम कह सकते हैं. देखिए वाई अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड की पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कोई रिएक्शन होगी भी नहीं, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जिसके अंदर ये पोटेशियम जो है वो मैग्नीशियम से डिस्प्लेस हो जाएगा. बट ये इंटेंस ब्लू कलर का अगर बन रहा है, तो ये जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, रिमेंबर कोई भी कंपाउंड अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट अगर बना रहा है, तो रिमेंबर ये जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में प्रशियन ब्लू का प्रेसिपिटेट होता है, प्रशियन ब्लू का प्रेसिपिटेट हो रहा है. और प्रशियन ब्लू जो होता है वो फेरिक प्रोड्यूस करता है. और इस प्रशियन ब्लू को अगर आप एक्सेस ऑफ के फोर एफ ई सी एन में अगर छोड़ देते हैं, तो इसकी सोल्यूबल फॉर्म हो जाती है, और वो सोल्यूबल फॉर्म जो है वो के एफ ई एफ ई सी एन होल सिक्स, इसकी सोल्यूबल फॉर्म है. प्रेसिपिटेट यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रेसिपिटेट जो होगा वो एफ ई फोर एफ ई सी एन होल सिक्स होल थ्राइस की वजह से प्रेसिपिटेट आएगा. और एक्सेस ऑफ के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स अगर हम डालेंगे तो ये सोल्यूबल फॉर्म ऑफ प्रशियन ब्लू प्रोड्यूस हो जाएगा, सोल्यूबल फॉर्म ऑफ प्रशियन ब्लू. जिंक क्लोराइड भी इसके साथ रिएक्ट करता है, वो व्हाइट और ब्लूश व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है. जिंक क्लोराइड के साथ व्हाइट और ब्लूश व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे और एक और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, इस इन्फॉर्मेशन से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है वो एफ ई सी एल थ्री होगा. यहाँ पे भी अप्रोप्रिएटली एफ ई सी एल थ्री जो है वो फिट बैठ जाएगा कि देखिए फेरिक क्लोराइड जो है वो जब सल्फाइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो गेट रिड्यूस टू फेरस क्लोराइड, और ये कोलाइडल सल्फर जो है डिपॉजिट हो जाएगा. यहाँ पे कोलाइडल सल्फर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा एन ए सी एल और एच सी एल जो भी हमारे पास में यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. सल्फर जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया है, और ये सल्फर जो है इसके साथ कंबाइन करेगा और मिथाइलिन ब्लू का फॉर्मेशन हो जाएगा. फेरिक क्लोराइड को इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है वो फेरिसाइनाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये एफ ई एफ ई सी एन होल सिक्स. सो
इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2009 पेपर वन से ही है और ये इसी का ही पार्ट है, इसी पैराग्राफ का ही पार्ट है। कंपाउंड जेड इज, ये यहां पे जेड हमारा बन गया और जेड हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये FeFeCN होल सिक्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी हमारा ऑफिशियल आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोर मैग्नेटॉन यूनिट्स फॉर ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो है इसका वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो देखिए क्रोमियम जो है वो एक इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले जो कार्बोनिल्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक ही होते हैं जनरली, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, CO एक स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है। तो क्रोमियम के अंदर जो है 3d5 4s1, दैट इज टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट 3d ऑर्बिटल्स के अंदर इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं, पेयर अप हो सकते हैं, दो इनर d ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएगा d2sp3 विद 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो होगा वो ए ऑप्शन में गिवन है, दैट इज 0। तो ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ गया हमारे पास में, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दैट कंटेन NN बॉन्ड्स इज R। तो ये जो है आपके पास में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स है उनके नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करके करेंगे तो इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम और उस से सही भी बन सकता है स्ट्रक्चर आपका या गलत भी बन सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर हमारा सिंपल सा जो है वो नॉलेज चेक करना चाहता है और कुछ नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ पे बताता हूँ, देखिए जो वेरियस ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के उसके अंदर ये N2O है, NO हमारा एक ऑक्साइड है, N2O3 ऑक्साइड है, NO2 ऑक्साइड है, N2O4 जो है ऑक्साइड है और N2O5, ये सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। तो जिसमें भी दो नाइट्रोजन एटम है उन में इसको छोड़ दीजिए कि इसके अंदर NN बॉन्ड नहीं है, ठीक है, नो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। बाकी किसी में भी अगर दो ऑक्सीजन एटम है तो उसमें NN बॉन्ड होगा, दो नाइट्रोजन एटम अगर है तो उसमें NN बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे NN बॉन्ड जो है हमें यहाँ मिलेगा, NN बॉन्ड यहाँ पे हमें NN बॉन्ड मिलेगा। इसमें एक और मैं अभी एक और कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ आपको, NN बॉन्ड मिलेगा इन सबके अंदर, NN बॉन्ड मिलेगा इसके अंदर। और N2O3 के अंदर एक और सिचुएशन आ जाती है कि N2O3 के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, NN बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी होगा और NON बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी होगा। एक ये स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है और दूसरा ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पे, अलग अलग एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किस मीडियम में कैसे बन रहा है उसके बेसिस पे इसके ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्लास में जैसे आपको बताया जाता है डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पे जो है हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर हैविंग NN बॉन्ड, तो N2O में NN बॉन्ड होगा, N2O3 में NN बॉन्ड होगा, N2O4 में NN बॉन्ड होगा, N2O5 में NN बॉन्ड नहीं होगा, इसमें NON बॉन्ड होगा। तो इसका आंसर जो है वो ABNC आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक मैच द कॉलम टाइप का आ गया है, 2009 पेपर 2 से ही चल रहा है ये। सो कॉलम 1 में कुछ मेटल और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है और कॉलम 2 के अंदर उनके प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। तो ये देखिए कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। अब नाइट्रिक एसिड के रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें देखना है, नाइट्रिक एसिड के रिडक्शन का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा ये देखना है हमें। तो अगर आपके पास में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर है और ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, देन रिमेंबर विल ऑलवेज गेट रिड्यूस टू NO2। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर हमारे पास में, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये फिर यहाँ पर जो है गेट रिड्यूस टू आइदर NO और N2O डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो है हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लाइक जिंक वगैरह के साथ में, और ये जो है वो बाकी अदर जो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि ये कॉपर हो गया, ठीक है,
टिन हो गया, आयरन हो गया, ये इस टाइप के जो है, तो इस ऑप्शन में कॉपर और जिंक दो की बात कर रखी है, तो हम सीधा सीधा इसको कंसिडर कर लेते हैं। देखिए भाई, ए ऑप्शन के अंदर क्या आएगा कि कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो डाइल्यूट HNO3 जब होगा तो NO और कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा, दैट इज PNS, तो ये PNS आ जाएगा। बी ऑप्शन के अंदर अगेन कॉपर है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आ गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर NO2 बन जाएगा और कॉपर नाइट्रेट तो होगा ही होगा, दैट इज QNS। सी ऑप्शन के अंदर ये हमारे पास में जिंक और डाइल्यूट HNO3 आ गया, तो डाइल्यूट HNO3 है और जिंक है तो N2O प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज R, और लास्ट में ये T, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड जिंक, तो इन ऑल केसेस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर है तो NO2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा हमारे पास में, और जिंक नाइट्रेट भी बनेगा। तो हम ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लेते हैं कि क्या आंसर हमारा आना चाहिए। तो ए के लिए हम ये कह रहे हैं कि PS है, इसमें भी PS है हमारे पास में। बी के लिए हम कह रहे हैं QS है, तो इसमें भी QS है हमारे पास में। और सी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में RT है। ऑफिशियल आंसर की को अगर देखोगे तो इसमें भी RT नज़र आ रहा है। डी के लिए अगर देखेंगे तो QT का हम कह रहे हैं और इसमें भी QT आ रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हायर इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन, लोअर विल बी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ HNO3। ग्रेटर इज़ दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, लोअर विल बी चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ ये एक इंटीजर आंसर टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। तो ये आपने KMnO4 की प्रिपरेशन पढ़ा होगा, तो KMnO4 की प्रिपरेशन के अंदर हम ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करते हैं MnO2 का। तो ये जो हमारे पास में MnO2 है, इस MnO2 को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ठीक है, एल्कली के साथ फ्यूज कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो K2MnO4 बन जाता है। K2MnO4 ये प्रोडक्ट बन जाता है। नॉर्मली ये जो रिएक्शन होती है, इसको मैं बता देता हूँ कि ये MnO2 होता है, ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्शन कराते हैं हम, और KOH के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके इसका प्रोडक्ट हमारा सिंपल सा MnO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, इसकी इसके साथ तो कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, ये आपस में रिएक्ट करके ये बन जाएगा MnO3, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत डिफ़िकल्टी से जाएगा, तो ये मैक्सिमम तो आ ही गया है, +7 तक भी जा सकता है, लेकिन ये स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले ये बनेगा और उसके बाद में ये जाएगा। और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे फ्यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है हायर वाला डिकम्पोज होकर के नीचे लोअर ही आ जाएगा, इंटरमीडिएट में ही एग्जिस्ट करेगा। साइमल्टेनियसली ये जो QH है फ्यूजन की वजह से इस पर भी इफेक्ट होगा और ये K2O और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास में MnO3 जो बन गया और K2O बन गया, इनकी आपस में रिएक्शन हो जाएगी। MnO3 जो है वो एक मेटल ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो एसिडिक इन नेचर, एंड K2O जो है वो मेटल ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड है, सो बेसिक इन नेचर। ये दोनों कंबाइन करके एक सॉल्ट टाइप का प्रोड्यूस हो जाएगा, सो K2O प्लस MnO3 फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म K2MnO4। तो ये सिंपल सा मेरे हिसाब से अगर आप कंसेप्चुअली जाते हो तो ये ऐसे हमें ट्रेस करना होगा, बट इस टाइप से ट्रेस करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में हमें परफॉर्म करना होता है। ये सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में रिटर्न है, तो आप वहाँ से कलेक्ट करिए इन सब आइडियाज़ को, अपने नोट्स बनाइए और रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाइए। तो यहाँ पर जो मेरा मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। चेक कर लेते हैं आंसर क्या कह रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 पेपर 1 से आ गया ये। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज। तो ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है हमें ये बताना है। तो बड़ा सिंपल सा है इसमें, ये तो जस्ट मतलब आपका जो नॉलेज है उस पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है कि इथाइलिन ले लेना है, ठीक है, उसका पाई बॉन्ड हटा देना है, तो इसकी जो हमारे पास में वैलेंसीज आ जाएगी इस कार्बन की एक वैलेंसी, और ये डाई अमीन हमें बना लेना है।
इस डाइअमीन के ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको रिमूव कर लेना है और यहाँ पर हमें एसीटेट ग्रुप को अटैच कर देना है, बट ये अभी एसिड की फॉर्म में है तो एच अटैच्ड रहेगा। सो दिस इज इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, तो ये ऑप्शन सी में नजर आ रहा है अप्रोप्रिएटली, तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज, तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के लिए हमें क्या करना है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एक एनायन है, ठीक है, इसको अंदर ले आना है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक एनायन बाहर लेकर के चले जाना है। तो अब बाहर ले जाएंगे तो NO2- को बाहर ले आएंगे और Cl को अंदर लेके आ जाएंगे और ये बन जाएगा CrH2O whole 4 Cl2NO2, तो CrH2O whole 4 Cl2NO2 that is given in option B, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएजेंट यूज फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लाइम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में स्लैक्ट लाइम हम ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स भी ऑप्शन आ जाएगा, फॉस्फेट्स को यूज़ नहीं करेंगे आप, और कार्बोनेट्स जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, और सोडियम ऑक्सीक्लोराइड जो है एल्कलाइन होता है लेकिन ये परफेक्टली टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकता, ये परफेक्टली टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकता है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूबल फॉर्म में रहता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड टाइप का बन जाएगा, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स को ये रिमूव नहीं कर पाएगा, तो बी ऑप्शन इसके अंदर अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारे पास में एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कॉपर इज द मोस्ट नोबल ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स एंड अकर्स इन स्मॉल डिपॉजिट्स इन सेवरल कंट्रीज, ओर्स ऑफ कॉपर इंक्लूड कैल्केंथाइट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, एटाकेमाइट, ये बेसिक क्लोराइड हो गया, क्यूपराइट क्यूपरस ऑक्साइड हो गया, कॉपर ग्लांस क्यूपरस सल्फाइड हो गया, मेलाचाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाउएवर 80% ऑफ द वर्ल्ड कॉपर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द ओर चालकोपायराइट CuFeS2, द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चालकोपायराइट इन्वॉल्व्स पार्शियल रोस्टिंग, रिमूवल ऑफ आयरन एंड सेल्फ रिडक्शन, तो ये पार्शियल रोस्टिंग रिमूवल ऑफ आयरन एंड सेल्फ रिडक्शन हमने किया है, तो यहाँ पे पार्शियल रोस्टिंग जब हम करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली इसके अंदर, ये कह रहा है पार्शियल रोस्टिंग ऑफ चालकोपायराइट्स प्रोड्यूसेस, चालकोपायराइट्स का पार्शियल रोस्टिंग करोगे आप, तो पार्शियल रोस्टिंग के समय में यू नो वेरी वेल कि ये हमारा जो कॉपर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे साथ में आयरन भी है, तो आयरन के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा होगी, तो इसलिए आयरन इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फेरस ऑक्साइड बनेगा, फेरस ऑक्साइड फर्दर जो है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो पार्शियल रोस्टिंग कर रहे हैं, कम्प्लीट रोस्टिंग नहीं कर रहे हो आप, तो इसलिए एक्सेस ऑफ एयर तो होगा ही नहीं आपके पास में, तो इसलिए फेरिक ऑक्साइड के बनने के चांसेस कम है, और सल्फाइड भी प्रेजेंट रहेगा तो इसलिए फेरिक जो है प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, यू रिमेंबर सल्फाइड कैन रिड्यूसेस फेरिक टू फेरस, सल्फाइड रिड्यूसेस फेरिक टू फेरस, तो इसलिए फेरिक नहीं बनेगा यहाँ पे, फेरस ही बनेगा, और पार्शियल रोस्टिंग हो रही है तो इसलिए ए ऑप्शन जो है यहाँ पे परफेक्ट नजर आ रहा है, Cu2S एंड FeO रहेगा। ये जो हमारे पास में चालकोपायराइट है हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली Cu2S एंड Fe2S3 का एक मिक्सचर है, Cu Fe2S4, ये एक मिक्सचर है चालकोपायराइट, इसी का एम्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो CuFeS2 है, कॉपर आयरन सल्फर का जो सिंपलेस्ट रेशियो है 1:1:2 है, तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा रोस्टिंग के समय में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और SO2 जो है प्रोड्यूस हो गया, ये पार्ट रह गया है, सो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम, ऑफिशियल आंसर क्या है, ए ऑफिशियल आंसर है Cu2S एंड FeO प्रोड्यूस हो जाएगा। आयरन इज रिमूव्ड फ्रॉम चालकोपायराइट एज, आयरन को हमें रिमूव करना है, तो इस आयरन को रिमूव करेंगे हम फ्लक्स ऐड करके, तो ये मेटल ऑक्साइड है सो बेसिक होगा, तो एसिडिक फ्लक्स ऐड कर देंगे, एसिडिक फ्लक्स यहाँ पे SiO2 होगा, तो ये बन जाएगा FeSiO3, है ना, फेरस सिलिकेट बन जाएगा ये,
FeSiO3 प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी के अंदर नजर आ रहा है. और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखते हैं, इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैराग्राफ पर बेस्ड है. इन सेल्फ रिडक्शन द रिड्यूसिंग स्पीसीज इज, सेल्फ रिडक्शन के अंदर जो रिड्यूसिंग स्पीसीज होगी वो ये सल्फाइड आयन जो होता है, दैट इज द रिड्यूसिंग स्पीसीज इन सेल्फ रिडक्शन. सल्फाइड आयन इज द रिड्यूसिंग स्पीसीज इन सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. तो ये आंसर सी जो है इसका हमें करेक्ट नजर आ रहा है. चेक कर लेते हैं तो ऑफिशियल आंसर भी हमारा सी नजर आ रहा है. तो 2010 का ये जो पेपर वन है इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने कर लिया. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा. तो प्लीज़ आप इनको वॉच करिए और अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करिए, अपने नोट्स बनाइए, इनको क्विकली रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़.